हेलो बच्चों, क्लास 12th की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। तो आइए हम लोग देखिए, आप लोगों को पिछले वीडियो में प्रश्नावली 2.1 पढ़ा दिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे आव्यूहों का योगफल क्या होता है, फिर घटाना क्या होता है, फिर गुणनफल कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं आव्यूहों का योग, आव्यूहों का योगफल। देखिए, यदि दो आव्यूह, ठीक ना, यदि दो आव्यूह ए तथा बी समान कोटि के हों, तो समान कोटि के हों तो उनके योग, उनका योगफल, उनका योगफल ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए संगत अवयवों को, संगत अवयवों को जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। यानी देखिए, दो आव्यूह को योगफल हम लोग कब ज्ञात कर सकते हैं, जब दोनों आव्यूह क्या हो, समान कोटि के हों। ठीक, यानी समान कोटि के होंगे तभी हम इसको जोड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे यदि दो आव्यूह ए तथा बी समान कोटि के हैं तो उनका योगफल ज्ञात करने के लिए संगत अवयवों को जोड़ते हैं, यानी उनके संगत अवयव जो होते हैं उनको जोड़ देते हैं। जैसे जैसे आइए हम लोग देखते हैं, जैसे ए बराबर कोई आव्यूह दे रहे हैं, 2, 3, 4 है, 5 है, और अभी भी बराबर कोई है, इसी कोटि का होना चाहिए, ठीक ना। अभी बराबर है माने 3 है, 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, यानी इसका भी 2×2 है कोटि का है, ये भी 2×2 कोटि का है। तो दोनों को कोटि समान है तो हम कह सकते हैं इनका योगफल ज्ञात किया जा सकता है। तो हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होता है, ए प्लस बी बराबर हो जाएगा आपका, यानी संगत अवयव को जोड़ सकते हैं, इसका पहला और इसके पहला अवयव के साथ जोड़ देंगे तो 2 धन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 धन 3 होगा, इसका दूसरा इसके इसके साथ 3 धन 8 हो जाएगा, फिर 4 और 7 हो जाएगा, 4 धन 7, फिर 5 और 6 जोड़ देंगे, ठीक ना। तो जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3×2 5 हो जाएगा, 5×8 3 11 हो जाएगा, 7×4 11 हो जाएगा, 6×5 11 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं आव्यूहों का घटाना, घटाना। देखिए, यदि दो आव्यूह ए तथा बी समान कोटि के हों तो उनका उनका घटाना जो होता है ना, उनका घटाना चाहे घटाव, घटाव ज्ञात करने के लिए संगत अवयवों को क्या कहते हैं, घटा देते हैं, घटा देते हैं। अर्थात देखिए, जैसे मान लीजिए इसको हम मिटा दे रहे हैं दूसरा, चलिए देखिए, जैसे इसी एग्जाम्पल को हम देखा बता दे रहे हैं आप लोगों को, जैसे ए माइनस बी को घटा रहा है तो ए माइनस बी अगर आपको ज्ञात करना है तो देखिए हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग कि पहले आयो मतलब पहला आव्यूह के संगत अवयव में दूसरे आयोग के संगत अवयव घटा देंगे, यानी इसका संगत इसका पहला है इसको पहला घटा देंगे, इसके दूसरे का दूसरे घटा देंगे, इसका इसमें से घटा देंगे, इसका इसमें से घटा देंगे, तो ए माइनस जो बी होगा, ए माइनस बी होगा, 2 में से 3 घटाएंगे तो 2 माइनस 3 5, 3 में से 8 घटाएंगे 3 माइनस 8, 4 में से 7 घटाएंगे 4 माइनस 7, 5 में से 6 घटाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। जब 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 होगा, इसमें से घटाएंगे तो -5 होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो -3 होगा, इसको घटाएंगे तो -1 होगा, ये हमारा हो गया आव्यूह में से आव्यूह को घटा दिया, यानी ये घटाना आव्यूहों का घटाना हो गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा दो मतलब आव्यूहों का योगफल और आव्यूहों का अंतर यानी घटाना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि एक आव्यूह का एक अदिश द्वारा गुणन, मतलब कोई अदिश संख्या होगा, अदिश राशि होगी और कोई आव्यूह दिया होगा उसके साथ गुणा करते हैं। जैसे यदि मान लीजिए कि यदि एक आव्यूह, ठीक ना, आव्यूह ए तथा
कोई सा कोई अधिस कोई कोई अधिस के हो तो इनका गुणन, इनका गुणन ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए आवयव ए के सभी अवयवों में, सभी अवयवों में के से गुणा कर देते हैं, के से गुणा कर देते हैं। जैसे देखिए, जैसे कोई अवयव ए बराबर मान लिया है, अवयव ए बराबर दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, मान लीजिए 1 दिया है, और यहाँ पे 4 दिया है, ठीक। और हमको इसमें के से गुणा करना है, चाहे तब अगर थ्री ए ज्ञात करना है, थ्री ए, तब थ्री ए बराबर हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे हम लोग, थ्री ए अभी का मान क्या है, 2 3 1 4 है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि इसको, इसका मतलब इस ये कोई अधिक संख्या है, अधिक राशि है, इसका गुणा करना है इसमें। तो तीन का इसमें गुणा करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें, यानी सभी अवयव के सभी अवयव में गुणा कर देते हैं। यानी हमारा हो जाएगा कि 3 × 2 = 6 हो जाएगा, फिर 3 × 3 = 9, फिर 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। यानी एक अवयव का एक अदिश के साथ गुणा करने के लिए हम लोग उस अदिश का उस अवयव के सभी अवयवों में गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको नोट करिए। चलिए हम लोग देखते हैं अवयवों का गुणनफल, जैसे दो अवयवों का गुणनफल, ठीक ना। तो देखिए, यदि यदि दो अवयव ए तथा बी हो तो इनका गुणनफल संभव होगा जब जब ए के स्तंभों की संख्या बराबर अवयव बी के पंक्तियों की संख्या। यानी देखिए, अगर ए और बी दो अवयव है, हमको गुणा करना है, तो देखिए उनका गुणनफल तभी संभव हो सकता है जब समुच्चय, सॉरी, अवयव ए के स्तंभों की जो संख्या होगी वो अवयव बी के पंक्तियों की संख्या के अगर बराबर हो जाएगी, तभी उसका गुणनफल संभव होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर अगर मान लीजिए कि इसका स्तंभ अलग, मान लीजिए इसके स्तंभ और इसकी पंक्ति बराबर नहीं हो रही है, तो हमको गुणा संभव नहीं है, तो मान लीजिए गुणनफल संभव नहीं है। जैसे जैसे आप देखिए, जैसे मान लीजिए ए बराबर कोई अवयव है, अवयव ए आई जे बराबर यम गुणे यन है, तथा बी बराबर है आपका, मान लीजिए बी आई जे बराबर यन गुणे क्या है, यन गुणे पी है, तब ए बी बराबर आपका होगा। यानी देखिए, इसका स्तंभ इसके पंक्ति के बराबर है ना, तो इसका जो गुणनफल होता है वो आपका हो जाएगा, इसका जो गुणनफल होगा वो आएगा आपका ए बी आई जी जो होगा वो आएगा, उसका जो क्रम होगा यम गुणे पी का जो क्रम का हो जाएगा। यानी इसके स्तंभ, इसका जो स्तंभ और इसके पंक्ति खत्म हो जाती है, इसका जो पंक्ति होता है और इसका जो स्तंभ है वह इसकी कोटि हो जाती है, ठीक ना, गुणनफल की कोटि हो जाती है। अब देखते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे जैसे और भी देख लीजिए, जैसे कोई मान लीजिए कि अवयव दिया है,
जैसे कि आप देखिए, जैसे ए बराबर आपका दिया है, दो दिया है, तीन दिया है, चार मान लीजिए पाँच ऐसे दिया है। अभी बी बराबर है आपका, अभी बी बराबर है 3.4 मान लीजिए 2 है, यहाँ 1 है। और हमको देखिए, यहाँ देखिए इसकी कोटि जो है, इसकी कोटि 2×2 है, ऐसी भी कोटि 2×2 है। तब हम लोग यानी ए बी भी संभव है, बी ए भी संभव है, क्योंकि ए का स्तंभ बी के पंक्ति के बराबर है तथा बी का स्तंभ ए के पंक्ति के बराबर है। तो यहाँ पे ए बी भी संभव है, यानी ए बी भी, यानी ए का बी का गुणा भी संभव है, और बी का ए से भी गुणा करेंगे तो वो दोनों संभव है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं ए बी हम ज्ञात करते हैं, कैसे गुणा करते हैं। तो ए बी निकालना हमको, ए बी बराबर लिख लेंगे, पर इसको लिखेंगे 2 हो गया, 3, 4, 5 हो गया, फिर बी का हो गया 3, 4, 2, 1 हो गया। तो क्या करते हैं कि देखिए, पहला जो अवयव होता है उसके पहला पंक्ति के अवयव का गुणनफल हम लोग दूसरे अवयव के पहले स्तंभ में करते हैं। यानी इसका पहला, मानिए ये पहला इसका क्या है, पंक्ति है, और इसका दूसरी इसका क्या है, पहला स्तंभ है। इनके संगत अवयवों को क्या करते हैं, गुणनफल करके जोड़ते जाते हैं। यानी क्या करेंगे हम लोग, 2 का 3 गुणा करेंगे तो 2×3 क्या होगा, यानी 2×3 होगा प्लस, फिर 3 का गुणा इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो 3×2 यानी 3×2 होगा। फिर उसी तरह से मान लीजिए इसका करना है दूसरे पंक्ति का, तो दूसरे पंक्ति का करेंगे तो दूसरा 4×3 यानी 4×3 होगा, और प्लस फिर 5×5 क्या होगा, 2 हो जाएगा। फिर उसी तरह से आप इसमें जाएंगे दूसरा स्तंभ में, तो पहला मान लीजिए, चलिए पहला पंक्ति करिए तो इसका इसमें करिए तो 2×5 क्या होगा, 4 होगा, फिर 3×1 हो जाएगा, प्लस कर देंगे बीच में 3×1। फिर इसका करेंगे तो यह होगा 4×4 4×4 होगा, और प्लस 5×1 हो जाएगा। तो हमारा हो गया, आप देखिए जोड़िए, 3×6 होगा, 3×6 6 और 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ 4×4 8, 3×1 3, 8×3 11 हो जाएगा। यहाँ 4×3 12, 5×9 10, 12×10 22 हो जाएगा। इसको जो 4×16 5 कितना हो जाएगा, 16×5 21। तो ये हमारा ए और बी का गुणनफल हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा गुणनफल कैसे करते हैं। इसको आज के वीडियो में हम लोग आज के बस इतना ही पढ़ेंगे, कल आप लोगों को प्रश्नावली पढ़ाया जाएगा, प्रश्नावली 2 जो अगली प्रश्नावली 3.2 है उसको हम लोग शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।